उसको आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं रोक हीरो वाइट आउट। आज हम तो आपका स्वागत है एपिसोड 4 में। आज हम करने वाले हैं एक आज हम कूदने वाले हैं जिसका दूसरा नाम है स्काई राइडिंग। चलो देखते हैं हेलीकॉप्टर का क्या हुआ। ये क्या हेलीकॉप्टर तो पतली हवा में गायब हो गया। आज हम ढूंढ रहे और लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ गया। चलो चलो हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को ढूंढते क्योंकि वो तो पतली हवा में ही गायब हो गया। लगता हमें दोबारा ढूंढना पड़ेगा। और ये मैं जल्दी पहुंच गया इसके पास। अब जल्द से जल्द इससे हड़प लेता हूँ ताकि हम लोग जल्दी ढूंढ सके। अच्छा इसका मालिक ही आ गया। चल चलो हम लोग इसे मार देते हैं। तो इस बात से अनजान था कि पुलिस है और इसे कहते हैं फ्लिप। चलो अब हम लोग जाते हैं वो कहा था हम लोग फिर से जाते हैं हम लोग जाते हैं स्केट पार्क। तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि स्केट पार्क कहाँ है। सबसे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा फिर अभी जाने से पहले मैं थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। नहीं पता जादू लगता है ये। और हम लोग अब पहुंच गए। अब जब भी मन करेगा यहाँ आने का हम लोग बस यही लेबल कर लेंगे ताकि अगर हम मर भी जाए तो भी हमें याद रहे कि हम लोग यहाँ हैं। अब हम लोग लेते हैं अपने एरो स्टार्ट। अब मैं लेता हूँ एरो स्टार्ट और इस पे शूट करता हूँ।
अब इससे अपने आप उड़ने लगेगा ये हवा में। तुझे क्या लगा? देखो हम, अरे ये तो टिप्सन निकला। अरे वाह वाह टिप्सन, तू तो पुलिस वाला निकला। अब मैं बस इस पे भी गोल मार देता हूँ। अब ये भी हुक करने लग गया मैं। अरे हाँ, हम लोग आज मैं आपको बताने वाला था कि कैसे आप बताना ही भूल गया कि कैसे हम मिलिट्री बेस पे बिना मरे किस उनके उनकी प्लेन का हेलीकॉप्टर और सबको कैसे चोरी कर सकते हो आप। पर उसके पहले मैं थोड़ा मस्ती कर लेता हूँ यहाँ। और ये मारा इसके दुई में, अरे दुई में नहीं, इसके चेस्ट में। आप तो जरूर सोच रहे होंगे कि इसका चेहरा क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ इसके लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा इसकी जगह आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए आपको बस ये ऐड देखना होगा, फिर खुद अपना चेहरा दिखा, चेहरे को स्कैन करना है, फिर उसके बाद ऐसे कर और फिर जैसे ही आप इक्विप में टैप कर लोगे आपका चेहरा उसकी चेहरे की जगह आ जाएगा। वैसे भी दो हीरो वाइस टाउन तो इतना मॉडर्न हो चुका है कि आपको ये ऑप्शन भी मिल चुका है। तो ये क्या, मैंने साफ कर दिया पूरी पूरे सारे फेंसेस जिससे मुझे रोक दिया जाए, जिससे जो मुझे रोक रहा है करने से। चलो अब हम लोग बिना वेपन के यहाँ घूमते हैं। ये एरोस्टार के जरिए मैं कर पा रहा हूँ ये। शायद मैंने कोई मिशन पे रिवॉर्ड के रूप में मिला मुझे। चलो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग जाते हैं मिलिट्री बेस में। चलो कोई बात नहीं, मैंने लेबल कर चुका है। बढ़िया हेलमेट है वो भी थॉर का।
पीछे वार करता है, मेरे भी पीछे वार करता है। चल पहले इससे, फिर इससे, और फिर इससे बढ़ाया मुझे रोकने वाला, खुद को भी नहीं रोक पाया, मुझे कैसे रोक पाएगा। मैंने तो एक अच्छा पार्क और मैंने तो अच्छा फ्लिप मारा था। चलो बिना चलो एरो स्टार्ट अपने साथ, अभी तो पैस है। चलो जाने से पहले टिप्सिन को उड़ा देते, हवा में उड़ा लेते हैं। टिप्सिन कमर कस ले, और ये मारा इसके दुई में। मैं एक फ्लैश एक ही सेकंड पर उड़ते हुए यहाँ आ जाऊंगा। और इसे कहते हैं नाक के नीचे से चोरी करना। चलो पहले जाने से पहले देखते कि अगर वो मुझे जो जो, जो मेरा शक है वो सही है कि गलत है। अरे ये लोग तो उससे फिर से जन्म ले लिया। तो इसे कहते हैं साइड इफेक्ट। अरे भाई ये क्या है, तो देखिए क्या हो गया मेरे हेलीकॉप्टर का। उसे कुछ धमाका वमाका तो नहीं हुआ है, लेकिन वो तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है एकदम एक फालतू बैट की तरह। ओह ये क्या, मैं तो उल्टा उल्टा ही जा रहा था।
और ये उड़ते हुए अरे वाह, एकदम सही जगह पे गिरा है। चलो हम लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, पहले उसे टॉप में ले जाते हैं, फिर कूदते हैं। इसलिए भी इसे तो स्काई डाइविंग का तो नामो निशान ही नहीं है। चलो देखते हैं उसका क्या हो गया, इस हेलीकॉप्टर का क्या हो गया। हे भाई चलो हम लोग चलो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। क्या आप भी सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर आप जवाब देना चाहते हो तो आप सीधे आप मेरे चैनल शौर्य 005 में आना, क्योंकि शौर्य जीरो से क्योंकि पहले मेरा चैनल का नाम शैली पाठक होता करता था, अब वो नहीं रहा, अब वो उसका नया नाम है शौर्य 005, क्योंकि पहले वो होता करता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने नाम का ही कर लूँ। असल में वो मेरे माँ का नाम है, और मेरे माँ का और पाठकों का सरनेम है। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ये सब मेरे पर्सनल डिटेल्स हैं। इसकी हिम्मत मेरी पीठ पीछे वार करने का। मैंने लेबल कर लिया है, अब जो पास वाले किसी हेलीकॉप्टर वाली जगह में और अब मैं उड़ते हुए चुड़ैल को भी मैंने मार डाला। यहाँ लोग ताकि अगर मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, ताकि मुझे अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो मैं सीधे वहाँ लोकेशन में जाऊँ। क्योंकि आप तो जरूर सोच रहे हो, जरूर जानते हो कि वो पहले वैसा भी होता है, जैसे आपने जरूर देखा होगा जब व्हीकल को खरीदने के बाद एक ऑरेंज कलर का मार्क आ जाता है। इसे कहते हैं साइड इफेक्ट। चलो धक्का मार दी, five.
Download for free. Mobile Legends, bang bang.